आप लोग दुआ करो कि ठीक हो जाए। हम लोग तो बहुत घबरा से रहे हैं, ग्वालियर भर्ती है तो अब जा रहे हैं, देखें का बोलत है कि नहीं बोलत है, आप सबको दिखाइए चले तो बने रहो ब्लॉग में। अम्मा कहाँ है, जल्दी कर दो नहीं चलो माई चलो। आप लोग दुआ करियो कि मामा जल्दी ठीक हो जाए। आप लोगन का तो दिखाई तो कि कानपुर में थोड़े चार थोड़े बोलो रहे, पर से गांव ले आए थे तो फिर बोलवो चाल वो बिल्कुल बंद कर दो, सीधे ग्वालियर के लिए रेफर हो गए, ग्वालियर से अब ग्वालियर ही जा रहे हैं। अब देखो का कैसे होता है, गाड़ी आई गई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम अपनी खुद दवा खाते जा रहे हैं, हम अब से कह रहे हैं या मेरी दवा मऊ दवा के सारे चलन लगे ले बैठो रो ना माई तो शांत चलो बिल्कुल। मेरे बताओ ग्वालियर आ गए, अब जाए के देखिए कहे अब फिर कहे कि अब पीट के बनाओ तुम तो जल्दी सही हो। यह है चंबल नदी, अब बिल्कुल साफ दिख रही, देख ले हो यहीं पर डकैतन न पानी पियो है, फूलन देवी यहीं पर आए कर पानी पियो करती थी। मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, प्रदेश में हमारी गाड़ी प्रवेश हो चुकी है एमपी में, बस थोड़ी देर में मम्मा ढींगा पहुंचन वाले हैं, जाए के पहले मम्मा तक लड़े हैं जाए हम कि इतने बीमार हो जात बतात कैसे रहे हो। अब जाओ तो यही कहा देंगे सही है हम सही है, और आप लोग इनका कह देते कि मम्मा कह रहे सही है तो हम सही हुई है फिर, और जब इतनी हालत खराब हो गई है तो कहा हम सही है। मामा का हम लोग देखने जा रहे थे तो जैसे पहुंचे मामा डिंगा तक तैसे मामा खत्म हो चुके हैं, हम लोग लौट के जा रहे घर है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद तो पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने इस वीडियो को देखा, मैं क्या जिसने भी देखा होगा उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि मामा जी बहुत ही दिल के अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे और वीडियो के थ्रू उनको सब लोग जानते थे, जितना शिवानी को जानते थे उसी तरह मामा जी भी फेमस हो चुके थे और शिवानी का हमेशा साथ दिया है उन्होंने, जब शिवानी को ज़रूरत पड़ी है तब उन्होंने साथ दिया और हमेशा हंसते ही रहते थे, मुस्कुराते ही रहते थे। तो बहुत बुरा लग रहा है, सच में इतना बुरा लग रहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बीच में बिल्कुल ठीक हो गए थे, हमने वीडियो भी देखा हुआ था, देखते रहते थे शिवानी की वीडियोस, लेकिन अचानक से ग्वालियर रेफ़र किया और पता नहीं क्या हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी।